हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। इधर जब से कोविड की दूसरी लहर आई है उसके पश्चात न्यायालय व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अलग अलग प्रश्नों पर आधारित आज मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी जो शंकाएं उठ रही होंगी उन सब का भी समाधान हो जाएगा। सबसे पहला हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के कारण न्याय व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे हमारे सामने और हमारे भविष्य में किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, इन परिस्थितियों में हमारे साथ क्या होगा। इन सभी प्रश्नों के साथ आज मैं पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आइए एक एक करके एक एक प्रश्नों के ऊपर विचार करते हैं और मैं अपने तरफ से आपको ये बात पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी अगर कोई प्रश्न या कोई दृष्टिकोण छूट जाए तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, परिवर्तनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मुकदमों पर, जो हम अपील हमने की कर रखी है उस पे, इन सभी चीज़ों पे पड़ता है। अब हमारे मन में ये शंकाएं बनती हैं कि जो हमने मुकदमे कर रखे हैं या जो हमारे द्वारा वाद प्रस्तुत किए गए हैं उनका क्या होगा, ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इनमें किस तरीके की प्रक्रिया आगे चलेगी, क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। देखिए, जिस भी न्यायालय में आपके मुकदमे चल रहे हैं, आपके वाद अभी जो निस्तारण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, निस्तारित नहीं हुए हैं, जो आपने अपील प्रस्तुत की है अभी जो प्रक्रिया में है, वहाँ के लिए न्यायालय ने ये व्यवस्था की है कि जो जिस स्थिति में है यथा स्थिति में बने रहेंगे अगले प्रभाव तक, यानी अगले आदेश के आने तक वो यथा स्थिति में बने रहेंगे। क्योंकि कई शहरों में लॉकडाउन है जिसकी वजह से वहाँ की न्यायालय प्रणाली जो है वो पूर्ण रूप से कार्य को नहीं कर पा रही है, या ये कहिए कि पूर्ण रूप से न्यायालय इस समय बंद है, या जहाँ पे न्यायालय खुले भी हैं तो वहाँ पे संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बहुत हद तक सीमित कर दिया गया है। इसीलिए मुकदमों में जो स्थिति बनी हुई है यथावत उसे अभी रखा जा रहा है अगले आदेश तक के लिए। अब एक प्रश्न आता है कि न्यायालय अगर कार्य नहीं कर पा रहा है तो ऐसे स्थिति में हमारे मुकदमों का क्या होगा, यानी कि जैसे किसी ने FIR की थी, किसी ने अपना वाद प्रस्तुत किया था, वाद आया था न्यायालय में, या किसी ने अपील की थी, किसी प्रकार की शिकायत, किसी प्रकार की एप्लीकेशन देगी, तो इन स्थितियों में होगा क्या। देखिए, जो जिस स्थिति में थे, जहां आपने जो भी प्रक्रिया अपनाई थी, जो एप्लीकेशन लगाए थे, जो आपका ऑर्डर होना था, वो यथावत उसी स्थिति में उसी स्टेज पे रुक गए हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं और न्यायालय पूर्ण रूप से बंद है लॉकडाउन के कारण, या कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा रहे हैं तो वो कार्य आगे अभी बढ़ रहा है। इसलिए यथावत स्थिति के बात को समझिए कि जैसे स्थिति थी उस समय पिछली डेट पे वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, मुकदमों में आगे कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। दूसरी बात आती है कि बहुत लोगों को भरण पोषण प्राप्त होता है न्यायालय की तरफ से, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे 125 CRPC की तरफ से प्राप्त होने वाला बच्चों को भरण पोषण हो, महिलाओं को भरण पोषण हो, ये जो भरण पोषण है अभी दरवेश नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और न्यायालय बंद है। तो अब होगा क्या, क्या ये भरण पोषण जो बकाया हो रहा है वो आपको भविष्य में नहीं मिलेगा, या इस दौरान का भरण पोषण समाप्त हो जाएगा? आपको ये भरण पोषण भविष्य में मिलेगा, ये अभी आपका समाप्त नहीं होगा। फिर आइए आगे का एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि जो नए मुकदमे दाखिल हुए थे वो क्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, यानी कि आप लोग अगर न्यायालय गए होंगे, वहाँ पे आपने अगर अपना परिवाद प्रस्तुत किया होगा, 156(3) की एक प्रक्रिया होती है CRPC के अंतर्गत, अगर आपने उसे प्रस्तुत किया होगा तो क्या वो समाप्त हो जाएगा? तो जी नहीं, वो भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, जब भी न्यायालय अपना कार्य पुनः शुरू करेगा तो वहाँ पे आपका कार्य आगे बढ़ेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में हम अपने मुकदमे में उपस्थित नहीं हो पा रहे,
और ऐसी स्थिति में हमारे विरुद्ध क्या हो सकता है या हमारे साथ क्या हो सकता है, ये भी एक बहुत ही परेशान करने वाला प्रश्न है। लोगों के मन में चिंता बनी हुई है कि हम तो न्यायालय जा नहीं पा रहे, हमें न्यायालय की होने वाली किसी भी प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ़ किसी तरीके का वारंट इशू हो जाएगा। तो जी नहीं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यथावत स्थिति बनी रहेगी, तो उसी के अनुसार यही कार्य यहाँ पे भी किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो भी मुकदमों की स्थिति है उसके संबंध में करें क्या, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जो केसेस हैं, हमारे वाद हैं या जो हमने अपील प्रस्तुत की है उसमें आगे की डेट क्या लग रही है, हमें ये कैसे पता करना होगा। इसे पता करने के लिए आप इंटरनेट पे भी जा कर के पता कर सकते हैं, परंतु सबसे रिलायबल चीज़ें वर्तमान में यही मैं कहूँगी आपको कि आप अपने एडवोकेट से संपर्क करिए, क्योंकि उनके पास संपर्क साधन होता है। जब भी कोर्ट खुलती है, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, वो जा कर के पूरी प्रक्रिया के बारे में पता करके अपने पास नोट डाउन करके रखते हैं, और जब आप उनसे संपर्क साधेंगे तो वो अवश्य ही आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। अगर इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।